आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्वितीय उत्थान के बारे में, जो कि प्रकरण 3 के अंतर्गत है। तो द्वितीय उत्थान की जो शुरुआत है 1950 संवत से मानी जाती है। इससे पहले जो हमने देखा भारतेंदु युग, या जिसे हमने प्रथम उत्थान भी कहा, वो सब आप लोग जान करके आ चुके हो। द्वितीय उत्थान पहले वाले से इस अर्थों में भिन्न है कि यहाँ पर अब नई चिंताएं और नई आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगी लेखकों के अंदर, जो कि भारतेंदु युग में नहीं थी। और वो नई आकांक्षा और वो नई चिंताएं क्या थी, जैसे आप सब लोगों को याद होगा कि भारतेंदु काल के अंदर उनका जो मेन उद्देश्य था साहित्य रचने का, वो था साहित्य का निर्माण करना, कि कैसे ना कैसे करके हिंदी के अंदर भी कई सारी पुस्तकें अस्तित्व में आ जाएं। उस समय तो क्या था कि हिंदी के अंदर कोई रचना ही बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि बस साहित्य की रचना हो जाए किसी तरीके से, और लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए, पाठक बनाने के लिए वो क्या है, मनोरंजक प्रकार की चीज़ें भी लिख रहे थे, ताकि एक पाठक वर्ग तैयार हो सके। परंतु ऐसा करते वक्त उस टाइम पर जो भाषा थी, और जो एक तरीके से गहन साहित्य जिसे कहते हैं, जिसके अंदर वो क्वालिटी एक तरीके से देखने को मिलती है, वो हमें भारतेंदु युग में देखने को नहीं मिली थी। तो उसी चीज़ को अब आगे की ओर विचार किया गया कि चलो अब साहित्य निर्माण तो हो गया, पाठक भी तैयार हो गए, हिंदी में अच्छी खासी पुस्तकें भी आ गई है, अब और नया क्या। तो उसके अंदर अब कुछ सुधार की आवश्यकता इन्होंने महसूस करी। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो हिंदी का जिस रूप को यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सही किया, वो आखिरकार सही करने की ज़रूरत तो क्यों पड़ी, मतलब कि जो गलतियाँ वो लोग कर रहे थे लिखते वक्त, या जो व्याकरण में अशुद्धियाँ आ रही थी, वो आखिरकार अस्तित्व में आई कैसे, जो गलतियां हो रही थी वो हो क्यों रही थी। तो इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कि जो लेखक थे हिंदी के, उनकी तारीफ कुछ इस प्रकार से की जाती थी कि ये जो व्यक्ति है संस्कृत अच्छी जानता है, फारसी अच्छी जानता है, अरबी अच्छी जानता है, उसे ये नहीं कहते थे कि ये हिंदी के अच्छे विद्वान है, बल्कि उसको अन्य भाषाओं के बारे में उसको तारीफ कर करके जानकारी की उसकी बढ़ोतरी की जाती थी कि ये इतने महान है। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी जो लेखक थे उन्होंने भी अपने साहित्य के अंदर अरबी, फारसी, संस्कृत, जो अन्य भाषाएं हिंदी से अलग, उनको यूज़ करने लग गए, ताकि इनकी भी तारीफ होए उसी तरीके से। तो उस समय ये सोचा ही नहीं जाता था कि फला व्यक्ति को इस हिसाब से उसकी तारीफ की जाए कि ये हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो हिंदी को एक तरीके से बढ़ावे में मिलता। तो इस तरीके से तारीफ उनकी नहीं की जाती थी, कुछ दूसरे तरीके से की जाती थी, जिसने उस अन्य भाषा के शब्दों को साहित्य में ला करके खड़ा कर दिया, और इसलिए अपने साहित्य में वो लोग अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्द यूज करने लग गए थे। एक तो कारण ये था, और एक और दूसरा कारण था कि उस समय बंगला से जो साहित्य अनुवाद कर रहे थे, उस अनुवाद करते करते के बीच में कुछ लोग अनुवाद इस प्रकार का कर रहे थे कि अंग्रेजी और संस्कृत कोशों का उपयोग करके वो अनुवाद कर रहे थे। उनकी वो क्या लिख रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, बस अनुवाद चल रहा है और पुस्तकें रची जा रही है, उसमें कुछ भी जो शब्दों का अर्थ निकलता है वो स्पष्ट हो ही नहीं रहा था। तो ये दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से भाषा क्या है खराब हो गई थी। पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम उत्थान के अंदर जो थे अंग्रेजी जानने वाले जो व्यक्ति थे, वो हिंदी में नहीं आ रहे थे, वो लोग हिंदी में प्रवेश ही नहीं कर रहे थे, वो अपना अलग ही चल रहे थे। पर द्वितीय उत्थान के अंदर जिन लोगों को अंग्रेजी आती थी, उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया कि वो हिंदी में लिखे, अपनी रचनाएँ करें। तो जब इन लोगों ने लिखना चालू करा तो क्या हुआ कि इनकी हिंदी उतनी अच्छी थी नहीं, लोगों ने तो कह दिया कि चलो लिखते लिखते आ जाएगी आपको हिंदी, उन्होंने लिखना भी चालू कर दिया, और जाहिर सी बात है हिंदी कमज़ोर है तो गलतियां तो करेंगे ही, पर इन लोगों ने उनकी जो गलतियां थी उसे इग्नोर किया ताकि ये लोग और अच्छे से लिख पाए। परंतु आप सब जानते हैं जब कोई दो चार चीज़ें लिख देता है, किताबें छप जाती है, तो फिर अगर वो कुछ गलती कर भी रहा है और उसको कोई बताएगा भी तो वो नहीं मानता, तो अपने आप को लेखक ही समझने लगता है। तो अंग्रेजी के कुछ ही जो विद्वान थे वो कुछ इसी प्रकार के थे। तो इसलिए जो अंग्रेजी के ये विद्वान थे, इनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, और इसी भाषा को सही करने का जो जिम्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया, और इनके प्रवेश को हिंदी साहित्य के अंदर व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई से रिलेट करके देखा जाता है। इनको इन दोनों का प्रवर्तक भी कहा जाता है कि इन्होंने ही व्याकरण की जो ये गलतियाँ लोग कर रहे थे उन्हें अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन सब चीज़ों को सही करा। तो ये जो पहले उत्थान के अंदर और दूसरे उत्थान के अंदर जो व्याकरण संबंधित गलतियां हो रही थी,
और जो रूपहानि थी जिस प्रकार से हिंदी लिखी जा रही थी वो एक तरीके से प्योर उस टाइप में नहीं थी। तो उसको सही करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस द्वितीय उत्थान के अंदर किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस समय की एक और अन्य जो विशेषता है वो है शैलीगत विशेषता। इस टाइम पर बहुत सारी जो अलग अलग शैलियाँ हैं वो विकसित होने लगी, जिससे क्या है कि कौन सा लेखक किस प्रकार से लिखता है, यानी कि उसकी जो निजी पहचान है लेखनी की, जिसे देख करके पता लग जाए कि हाँ ये फला व्यक्ति ने लिखा है। तो इस प्रकार की जो शैली थी इस समय विकसित होने लग गई थी। इसी के साथ साथ अंग्रेजी की जो उच्च विचारधारा थी, यानी कि अंग्रेजी के जो कुछ वो लोग विद्वान थे उन्हें जानते थे, उनकी विचारधारा से उनका परिचय था और अपनी भाषा पर भी वो अब अच्छा अधिकार रखते थे। इससे क्या हुआ कि एक तो अंग्रेजी की विचारधारा प्लस यहाँ की जो भाषा का उन्हें ज्ञान यानी हिंदी का, उन दोनों ने मिला करके एक बहुत ही अच्छा जो लेखक का काम किया। उन्होंने हिंदी की जो अर्थ उद्घाटनी शक्ति थी, यानी कि कोई भी बात को बताने की, दूसरा अभिव्यंजन प्रणाली, ये दोनों ही दोनों शब्द आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो शब्दों के माध्यम से चीज़ें समझाना चाह रहा था व्यक्ति, उसको शब्दों को और भी ज़्यादा शक्ति मिल पाई और वो चीज़ें क्या है लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। तो अभिव्यंजन प्रणाली भी और ज़्यादा विकसित हुई और अर्थ उद्घाटन शक्ति भी जो थी हिंदी की, उसमें विकास देखने को मिला। जो भाषा थी हिंदी की, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सघनता आ गई थी। एक तो मान लो सघनता मतलब होता है कि बहुत इस तरीके से बहुत ही कम स्पेस, यानी बहुत ही कम में बहुत ज़्यादा बात कह देना, इस टाइप से सघन। इसी प्रकार से गुम्फित और विचार सूत्र, गुम्फित भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, जैसे ये मैंने बताया था ना सघन छोटा, मतलब अपने आप में इस तरीके से कसा हुआ हो, तो उसे कहते हैं गुम्फित, और विचार सूत्र भी उसी से संबंधित है। अगला सूक्ष्म, यानी कि छोटी छोटी बातों पर भी गौर करी जा रही थी और उन सब चीज़ों को भाषा के माध्यम से दिखाया जा रहा था। अगला है गढ़, जैसे गहरा रंग होता है ना गाढ़ा, उसी से संबंधित है। तो भाषा की ये जो विशेषताएं हैं हिंदी के अंदर अब आ गई थी कि वो अब सघन हो चुकी थी। गुम्फित, विचार सूत्र, सूक्ष्म और गूढ़ भाषा का जो गुण है हिंदी के अंदर आ गया था। आगे अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो गद्य विधाएं थी, यानी जिसका हम विकास देख रहे हैं गद्य का, वो कहाँ तक पहुँचा। कुछ तो हमने भारतेंदु युग में देखा था कि किस प्रकार से उधर निबंध और आलोचना या फिर जो भी अन्य गद्य विधाएं हैं वो कैसे धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी, तो यहाँ पर भी अब वो कितनी आगे बढ़ी ये जानेंगे। ये जो गद्य विधाएं हैं नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास, इसका विस्तृत वर्णन तो वो प्रकरण 4 में करते हैं, यहाँ पर केवल वो थोड़ा बहुत इंट्रो दे रहे हैं। अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो नाटकों का विकास था इस समय, जैसा भारतेंदु काल में देखने को मिला, यहाँ पर उस तरीके का क्रेज नाटकों का नहीं था। किसी प्रकार से निबंध की ओर भी उनका ध्यान थोड़ा कम ही गया। और आलोचना के बारे में अगर बात करूं तो आलोचना तो पहले ही थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, यहाँ पर ये उसने और भी ज़्यादा क्या है विकास पाया। और किसकी मदद से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहली आलोचना तो इन्होंने ही शुरू करी अपनी, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, जो भी पुस्तकें मार्केट में नहीं आती थी उसकी क्या है ये आलोचना करते थे। इसके बाद आप लोगों को याद ही होगा मिश्र बंधु द्वारा और पद्म सिंह द्वारा जो आलोचना को और भी आगे बढ़ाया, इन्होंने कुछ कवियों की आलोचना करी। तो इससे क्या है आलोचना, यहाँ पर क्या है आलोचना का थोड़ा बहुत विकास पहले से ज़्यादा देखने को मिला। पर इस समय की जो आलोचना थी वो एक तरीके से बाहरी रूप रंग पर ही आधारित थी, वो अलंकारों पर फोकस कर रही थी और उसके जो भाषा है उसके गुण क्या है, दोष क्या है, उसमें क्या अच्छी बातें आई है क्या बेकार है, इन्हीं सब पे जोर था। एक कवि या लेखक जो लिख रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस स्थिति में उस चीज़ को लिख रहा है, और कवि का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, इन सब के ऊपर ध्यान जो है आलोचना का इस समय नहीं गया था। उनका जो ध्यान था आलोचना का केवल बाहरी रूपों तक सीमित था। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम जानेंगे ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं इनका जो विकास है द्विवेदी युग के अंदर किस प्रकार से हुआ। और अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर वीडियो का लिंक तो आ ही रहा होगा, वरना आप चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है।